गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, आप सबका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है आप सबका कि आज मैं अबू अंडमानी अपना पहला वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहला वीडियो है तो सनराइज़ से ही हो जाए कि सूरज का निकलना और पूरी दुनिया में अपनी रोशनी को पहुँचाना और पूरे दुनिया में काम धंधा शुरू होना, यह जो है सनराइज़ से ही शुरू होता है। तो मैं इस वक्त अंडमान निकोबार आइलैंड में हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड जानते हैं ना, जिसे पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। और मैं बिल्कुल समुंदर के किनारे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं समुंदर मेरे सामने है, और सामने जो दिख रहा है यह जो है रोस आइलैंड है। रोस आइलैंड के बारे में कहूँ तो यह अंग्रेज़ों के ज़माने में उनका कैपिटल हुआ करता था कि अंग्रेज़ अपने तमाम सुख सुविधाएं उनके इसी आइलैंड में रहते थे कि इस आइलैंड में उनका खेलने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें और उनकी बेकरी, उनका कोर्ट्स, सब कुछ जो है यहीं पे था। और यहीं पे रह करके वह अंडमान निकोबार आइलैंड में अपना शासन चलाते थे। और मैं जो इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे पीछे बैक साइड में ही सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल आपने सुना होगा, जिसमें वीर सावरकर वगैरह कैद हो चुके हैं, कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो जिनको उस वक्त उग्र सज़ा के रूप में काले पानी की सज़ा दी जाती थी, उनको यहाँ पे कैद किया जाता था। और मेरे सामने ये समुंदर है, और आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा है, कि जो है नाव चल रही है समुंदर में, कि यह मछली पकड़ने वाली नाव है, और यह जो है सुबह सुबह निकल जाती है और मछली पकड़ करके फिर रात में या फिर अगले दिन सुबह सुबह जो है वापस आती है। और यहाँ पे अमन, चैन, सुकून, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। अब जो है हमारा वीडियो एंड के करीब है, बस मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और आगे भी फॉरवर्ड करते रहे अपने दोस्तों को, बाकी चैनलों में भी फॉरवर्ड करें। अब हमारा अगला वीडियो इस जहाज़ के बारे में आएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।